द्वारा डेंगू का प्रकोप फैल रहा है। शुक्रवार को जिले में डेंगू के 19 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा अब तक 162 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। 45 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। घर में लगभग 92 मरीज है। घर के अंदर जो मरीज मिले हैं उन्हें हल्का बुखार है। ये सब लोग एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव है। अधिकारी ने बताया कि हमारे यहाँ जो भी केस चाहे वह प्राइवेट लैब से हो, हम उनका दोबारा सरकारी लैब में चेकअप करवाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र से डेंगू के सैंपल आते हैं, हम उन्हें मेडिकल कॉलेज या पैरेलाल जिला अस्पताल भेज देते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति डेंगू के टीकाकरण से छूट न जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि एक दो दिन से मेरठ में भारी बारिश हो रही है, जो खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने लोगों से कूलर और रेफ्रिजरेटर के पीछे के पानी ना भरने देने, बर्तनों को उल्टा रखने की अपील की है। उधर मथुरा जिले में डेंगू से शुक्रवार को 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा 12 और लोगों के डेंगू से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यमुना पार के ईशापुर गांव में शुक्रवार को 2 बच्चों की बुखार से मौत हो गई। मामले की जानकारी होने पर गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग ने 71 लोगों के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। ये थी मेरठ से एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।